जहाँ राम को लेकर आए वहाँ हार गए। एक मिनट, पापी बोलो, मैं बोलता ही नहीं हूँ फिर। जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। राम मंदिर वही है, राम भक्त वही है, लेकिन बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो, ये कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक हो गई। अब बताओ ईवीएम कैसे नहीं हैक हुई? ईवीएम हैक नहीं हुई, हार गए। सरकार किसकी बन रही है ये बता दो बस। अब दो सौ के आदमी होंगे ना बीजेपी। मैं क्यों अंदर का हूँ? बताया होगा उन्होंने। अच्छा आपको नहीं पता है? आपने नहीं पता? 292 सीटों के साथ इंडिया अलायंस कहीं तक नहीं है नक्शे में, 292 सीटों की टक्कर में। 400 पार का नारा क्यों दिया था? फिर 400 पार के पीछे लग गए। तो ये तो कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बोलो बोलो, इनका संतुलन, आपका संतुलन इतना क्यों बिगड़ गया? आप तो हम पे चढ़ने को तैयार हो गए। मैं क्या करूंगा, लोकतंत्र है भाई साहब, देश में लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी उसको चुनेगी। जी हम आपका सर ना पहले झुकने दिया है, ना आप झुकने दिया है, ना आगे झुकने देंगे। 1,50,000 पे टक जीते, हारे हैं, जीत गए ना, जीते हैं, पर ग्राफ गिर गया, खत्म हो गई। सुनो फिर वही बात, महंगाई महंगाई दिल से ले ली लोगों ने, इस बार महंगाई बढ़ गई थी ज्यादा। आपको अगर महंगाई और बेरोजगारी दिखती है तो 62 साल से कितने लोगों की सरकारी नौकरी लग गई है, एक बार उनका इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दो। एक मिनट, अमित शाह जी का फोन आ रहा है ऑफिस से। हाँ सर नमस्कार, जय श्री राम। कन्हैया कुमार, तेरे को बजलपुरे में थप्पड़ पड़े थे, तूने केजरीवाल को जेल भिजवा दिया और तू तू खुद बैग लेके चला गया, 1.5 लाख वोटों से हार गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ सरकार एनडीए की बन रही है, बहुत बहुत बधाई हो। एक मिनट, नीतीश कुमार खेला ना कर दे। चाचा तो सबके ही है, टेंशन काहे ले रहे हो? फोन आ रहा है, बधाई तो ले दो। ए दोस्त लौट के आ जाओ, बिन तुम्हारे इंडिया अलायंस अधूरी है। जब 32 चिरकुट इकट्ठे हुए तो इन पे 232 हो रही है, मतलब वो सरकार बना लेंगे चिरकुट। अरे हाँ सर नमस्कार, जय श्री राम। पूछ लोगे 400 पार नहीं हुआ सर? ठीक है सर, कंफर्म है ना? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, कल हम लोग मीठा भी बांट देते, सामान भी बांट देते सर। ठीक है सर, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, सबका साथ सबका विकास। बोलो उत्तर प्रदेश वालों की जय। दिल्ली वालों ने भी खेला कर दिया सर, खूब खेला हो वो। अयोध्या वालों ने भी खेला कर दिया। तो थप्पड़ पड़े थे कन्हैया कुमार को, कह रहा था कन्हैया कन्हैया इंडिया लाइस वाला दोबारा बेगूसराय चला गया, थप्पड़ भी पड़े, बोलो बिस्तर उठा के ले गया, कह रहा था रिक्या के पापा हार जाएंगे। कन्हैया कुमार, तेरे को बजलपुरे में थप्पड़ पड़े थे, तूने केजरीवाल को जेल भिजवा दिया और तू तू खुद बैग लेके चला गया, 1.5 लाख वोटों से हार गया। अयोध्या में भी तो खेला हो गया, अयोध्या में अयोध्या राम को लेकर आए। दोस्त लौट के आ जाओ, बिन तुम्हारे इंडिया अलायंस अधूरी है। 240 सीटें लेकर आई बीजेपी, 241 इंडिपेंडेंट, दो वहां, चार वहां, 10 वहां, 98 वहां। जब 32 चिरकुट इकट्ठे हुए तो इनपे 232 हो रही है, मतलब वो सरकार बना लेंगे चिरकुट। अरे जहां राम को लेकर आए वहां हार गए। एक मिनट, नारा दिया था जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। बोलिए, अब आप ही बोलो, मैं बोलता ही नहीं हूँ फिर। जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। बोलने दोगे? लास्ट बार बोल रहा हूँ, राम मंदिर वही है, राम भक्त वही है, लेकिन बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो, लोकतंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, ये कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक हो गई। अब बताओ ईवीएम कैसे नहीं हैक हुई? 200 अंदर के आदमी होंगे ना बीजेपी। मैं क्यों अंदर का हूँ? बताया होगा उन्होंने। अच्छा आपको नहीं पता है? आपने नहीं पता? 292 सीटों के साथ इंडिया अलायंस कहीं तक नहीं है नक्शे में, 292 सीटों की टक्कर में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही है। नीतीश ने भी कह दिया है, बात का तो मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होना है। आपको पता है कल क्या होने वाला है? तो 400 पार का नारा क्यों दिया था? फिर 400 पार के पीछे लग गए। तो ये तो कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बोलो बोलो, इनका संतुलन, आपका संतुलन इतना क्यों बिगड़ गया? आप तो हम पे चढ़ने को। तंत्र में जनता जो चाहेगी उसको चुनेगी। हम इतना जानते हैं कि भैया मोदी जी, हम आपका सर ना पहले झुकने दिया है, ना आप झुकने दिया है, ना आगे झुकने देंगे। योगी की जनता ने झुका दिया, 4.5 लोग वोटों से जीते थे पिछली बार, 1.5 लाख वोटें आई हैं इस बार। 5.5 लाख। एक मिनट रुको, 5.5 लाख से जीते थे, 1.5 लाख, 1.5 लाख पे टक गए, जीते हारे हैं, जीत गए ना, जीते हैं, पर ग्राफ गिर गया, खत्म हो गई। सुनो फिर वही बात, तो मान ले मोदी लहर खत्म हो गई। भाई साहब सुनो, मोदी लहर खत्म होगी, 7 सीटें दिल्ली में जीत गए, उधर महाराष्ट्र में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में जीत गए, सुनते जाना पहले पूरी, मतलब कि हिमाचल में जीत गए, उत्तराखंड में जीत गए, इधर क्लीन स्वीप कर दिया और मोदी लहर खत्म हो गई। यूपी में क्या हुआ? 40 सीटें आ गई। यूपी में क्या हुआ? भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसकी जीत होगी वो जीतेगा। आप बार बार एक ही चीज को बोलोगे तो फिर उसके बाद ईवीएम हैक क्यों नहीं हुई? फिर ईवीएम पे ठीकड़ा फोड़ो, ईवीएम हैक कैसे नहीं हुई अब की बारी? एक बार ईवीएम हैक क्यों नहीं हुई? दो बार विपक्ष ईवीएम का ठीकड़ा क्यों नहीं फोड़ रहा? 3 बार
लोकतंत्र बचा है, इसीलिए आईपीएस हार गया और आतंकवादी जीत गया। लोकतंत्र बचा है इसीलिए उनको जनता ने चुना, तो मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और हम भी कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, आप क्या मानते हो जो बीजेपी का ग्राफ इतना गिरा, आप उसमें मानते क्या हो? बस मैं एक ही बात मानता हूँ, उसमें कुछ इनके जमीनी स्तर पे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके जो चेले हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के अंदर एटीट्यूड, उनके अंदर घमंड, वो घमंड जो था उनका चूर चूर होना था। मोदी और योगी जी की इसमें गलती नहीं है, मगर अब मोदी और योगी जी उसमें अध्ययन करेंगे, उनको पता लगेगा कि ये हार क्यों हुई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सीट का चयन गलत करा, योगी आदित्यनाथ जी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करा। और चौथा, क्षेत्र के हिसाब से अगर देश की जनता जाति को भी पूछती है तो आप जाति के हिसाब से टिकट बांटो, आपका विकास बढ़िया चल रहा है, क्योंकि लोग जाति के आधार पर वोट डालते हैं, तो आपको भी वही जैसा देश वैसा भेस, आपको भी जाति के हिसाब से मेंबर खड़े करो, क्षेत्र वाइज मेंबर इकट्ठे करो और जिता दो। अच्छा, एनडीए की अगर सरकार बनती है तो क्या क्या बदलाव होंगे और देश? बिल्कुल होंगे, 2029 से पहले अब ये लोग बहुत सी चीज़ें करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, जिनके मंत्रियों के चेलों में घमंड है बीजेपी में उनका घमंड तोड़ेंगे, बहुत सी चीज़ों में अध्ययन करके क्षेत्र वाइज अब उस नेता को चुनेंगे जो ग्राउंड में हो, जो आप जैसा हो, हम जैसा हो, जो देश की जनता की सेवा करना चाहता है, और सबको मौका देंगे। जिस तरीके से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री नए बने हैं, उसी तरीके से ये नए लोगों को अब आगे मौका देंगे। इंडिया गठबंधन ने कैसा प्रदर्शन किया इस बार? लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में जैसा भी किया वो जाने। कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया? नहीं भैया, मैं कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। जो देश को तोड़ने की बातें करती है, जो आतंकवादियों को सम्मान देती है, उस पार्टी से मैं नफरत करता हूँ। देश ने उसका ग्राफ क्यों बढ़ा दिया फिर? भाई साहब, वो पब्लिक जाने, पब्लिक ने तो भाई साहब सुनो, ये वही लोग हैं, अगर उस टाइम पे वानर सेना नहीं होती ना राम जी के समय में, तो भाई साहब ये सोने की लंका में जाके सो जाते, ये बोल के कि लंका सोने की है। लोगों ने बोला महंगाई दिल से ले ली लोगों ने, इस बार महंगाई बढ़ गई थी ज़्यादा। आपको अगर महंगाई और बेरोजगारी दिखती है तो 62 साल से कितने लोगों की सरकारी नौकरी लग गई है, एक बार उनका इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दो, और 62 साल से जिनके बाप दादा को सरकारी नौकरी मिली है, एक बार उनको आगे कर दो, और एक बार जाके उनके मकानों के रेट पूछो जो महंगाई और बेरोजगारी का ओनर हो। जहाँ राम को लेकर आए वहाँ हार गए। एक मिनट, आप ही बोल लो, मैं बोलता ही नहीं हूँ फिर। आप तो देना पड़ेगा ना आपको। राम मंदिर वही है, राम भक्त वही है, लेकिन बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो, ये कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक हो गई। अब बताओ ईवीएम कैसे नहीं हैक हुई? ईवीएम हैक नहीं हुई, हार गए। सरकार किसकी बन रही है ये बता दो बस। अब 200 अंदर के आदमी होंगे ना बीजेपी के? मैं क्यों अंदर का हूँ? तो बताया होगा उन्होंने। अच्छा, आपको नहीं पता है? आपने नहीं पता है? 292 सीटों के साथ इंडिया अलायंस कहीं तक नहीं है नक्शे में, 292 सीटों की टक्कर में। 400 पार का नारा क्यों दिया था? फिर 400 पार के पीछे लग गए। तो ये तो कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बोलो इनका संतुलन, आपका संतुलन इतना क्यों बिगड़ गया? आप तो हम पे चढ़ने को तैयार हो गए। मैं क्यों करूंगा, लोकतंत्र है भाई साहब देश में, लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी उसको चुनेगी। जी, हम आपका सर ना पहले झुकने दिया है, ना अब झुकने दिया है, ना आगे झुकने देंगे। 1.5 लाख पे टक गए, जीते हारे हैं, जीत गए ना, जीते हैं, पर ग्राफ गिर गया, खत्म हो गई। सुनो फिर वही बात, महंगाई दिल से ले ली लोगों ने, इस बार महंगाई बढ़ गई थी ज्यादा। आपको अगर महंगाई और बेरोजगारी दिखती है तो 62 साल से कितने लोगों की सरकारी नौकरी लग गई है, एक बार उनका इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दो। एक मिनट, अमित शाह जी का फोन आ रहा है ऑफिस से। हाँ सर, नमस्कार, जय श्री राम। कन्हैया कुमार, तेरे को भजलपुरे में थप्पड़ पड़े थे, तूने केजरीवाल को जेल भिजवा दिया और तू खुद बैग लेके चला गया, 1.5 लाख वोटों से हार गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, सरकार एनडीए की बन रही है, बहुत बहुत बधाई हो। एक मिनट, नीतीश कुमार खेला ना कर दे, चाचा तो सबके ही है, टेंशन काहे ले रहे हो? फोन आ रहा है, बधाई तो लेने दो। ए दोस्त, लौट के आ जाओ, बिन तुम्हारे इंडिया अलायंस अधूरी है। जब 32 चिरकुट इकट्ठे हुए तो इनपे 232 हो रही है, मतलब वो सरकार बना लेंगे चिरकुट।